कब से चरा रहे हैं आप ये भेड़ वगैरह? अरे हम चरा रहे हैं करीब 35 साल से चरा रहे हैं। 35 साल से ये भेड़ चरा रहे हैं। धूप नहीं लगती आपको? धूप नहीं लगती? अरे धूप लगती है तो पहले का भेड़ है, 100 भेड़े करीब हैं जो कि ये भाई चढ़ाते हैं। लहिया से बीजा बनवा के जहे के खातिर कगा। हाँ तो वही का काम न मिले वही का दूसरा काम दे। हाँ। आपको सऊदी में मौका मिले भेड़ चराने का तो जाएंगे आप? अरे नहीं जाएंगे। क्यों? अपना देश है, अपने मन का काम है। रोड किनारे रहते हैं भाई। देखो भाई जिंदगी आसान नहीं भी, हर जगह पर भेड़ चराने वाले हों बकरी चराने वाले हों, धूप बारिश गर्मी सर्दी सब मिला। पिक्चर अगर पिक्चर में रियलिटी दिखाई जाएगी तो कोई नहीं देखेगा, ठीक है? हाँ। थोड़ा सा मसाला लगाना पड़ता है। मतलब साल में कितना अर्निंग हो जाती है? साल में अब देखो आहे अखियां चुरा ले पर्द। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग वीडियो। तो गाइस एक और नया दिन, एक और नया व्लॉग। तो गाइस आज का जो व्लॉग काफी ज्यादा स्पेशल होने वाला है। जैसे कि आप जानते हैं इस द गोट लाइफ मूवी आई है, और जब मैं सऊदी अरबिया गया था तो वहाँ पे मैंने जो लोग बकरियाँ भेड़ चराते हैं उनकी लाइव दिखाई था। तो आप लोग बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि यार इससे अच्छा तो इंडिया में आप इतनी भेड़ पालोगे ना तो अच्छा खासा कमाओगे। तो गाइस आज मैं आपके कहने पे दिखाने वाला हूँ जो लोग इंडिया में बकरियाँ चराते हैं भेड़ चराते हैं उनकी लाइव दिखाने वाला हूँ कि वो लोग कितना कमाते हैं। सऊदी में जो लोग जॉब कर रहे हैं, सऊदी में लोग फंस गए हैं, उनकी तुलना में यहाँ के लोग कितना कमाते हैं, कैसी लाइफ होती है, कितने घंटे कमाते हैं और कब से चरा रहे हैं, और उनके सऊदी अरबिया वर्सेस इंडिया में कितना डिफरेंस है, सारा कुछ आज के इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। क्योंकि यार आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे कि यार वो बेचारे फंस जाते हैं तो इससे अच्छा तो आप इंडिया में इतनी भीड़ पाल लोगे 100-500 तो उससे ज़्यादा कमाओगे। तो सारा कुछ आज की इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। चलिए फटाफट यहाँ से निकल रहे हैं, शाम हो रही है, क्योंकि शाम के टाइम ही हमारे इंडिया में लोग क्या होता है कि दोपहर से जो भेड़ बकरी चराने वाले होते हैं वो निकल जाते हैं। तो चलते हैं सर्च करेंगे कि कहाँ पे हमें वो लोग मिलेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ कोई ठिकाना नहीं होता। सऊदी अरब में क्या रेगिस्तान में ही आपको मिल जाएंगे, नौकरियाँ फिक्स होती है, लेकिन हमारे यहाँ हर जगह घास है, हरियाली है, आपको कहीं पर भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है? बाकी आपको देखो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया, ये देखो समझ रहे हैं। फाइनली गाइस अभी हम आ चुके हैं लोकेशन पे जहाँ पे भेड़ बकरियाँ चर रही हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि सऊदी की तुलना में इंडिया में जो लोग भेड़ बकरियाँ चराते हैं वो कितना कमाते हैं। भाई ये देखें यहाँ पे कितनी सारी भेड़ वगैरह हैं, और वहाँ पे जो भेड़ बकरियाँ चराने वाले वो लोग खड़े हुए हैं तो उनसे हम बात करने वाले। करीब यहाँ पे 100-150 भेड़ और बकरियाँ यहाँ पे हैं, ये देखें कितना सुकून से चल रही हैं। और आप लोग कमेंट करते थे कि भाई सऊदी में क्या खाती है, बाकी वहाँ पे भी घास वगैरह होती है। तो चलिए पहले आइए उनसे हम बात करते हैं। इंडिया की जो भेड़ है और सऊदी की जो भेड़ है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। वहाँ पे ना क्या बड़े बड़े बाल होते हैं, बड़े बड़े कान होते हैं, कान तो यहाँ भी बड़े बड़े हैं, और वहाँ की जो बकरियाँ मैंने देखी ना वो बकरियाँ बहुत छोटी छोटी होती हैं। अपने इंडिया में क्या है बकरियाँ हर किस्म की पाई जाती है। सऊदी अरेबिया मैंने जो देखा था ना बकरियाँ वो एकदम छोटी छोटी होती हैं, बड़े बड़े बाल, बड़े बड़े कान, और भेड़ अलग कलर के होते हैं, ब्राउन भी होते हैं लेकिन कुछ ब्लैक किस्म के भी वहाँ पे भेड़ पाए जाते हैं। कैसे हैं, क्या हाल है, कैसे हैं? कब से चरा रहे हैं आप ये भेड़ वगैरह? अरे हम चरा रहे हैं करीब 35 साल से चरा रहे हैं। 35 साल से ये भेड़ चरा रहे हैं, मतलब भेड़ के अलावा कोई काम कभी काम नहीं किया? नहीं, नहीं, पहले काम किया है। अच्छा खेती का काम किया, जुताई कोताई का। अच्छा अब फिर एक बार जब आपसी देने के कुछ गड़बड़ हुआ है ना? हाँ तब फिर यहाँ फंदा पड़ गया। अच्छा अच्छा तो घर कहाँ है आपका? यही काम। अच्छा यही है, मतलब और ये अपना भेड़ को लेकर कितने दूर तक जाते हैं आप? नहीं अपना कहते वापस घर जाओ। अच्छा अच्छा नहीं मतलब होता नहीं घर से आदमी काफी दूर निकल जाते हैं, रास्ते में रहना खाना पीना वही बात है। उनसे बताओ तो एक दफे वीडियो बनाओ मैं। हाँ कानपुर में वीडियो लगकर बनाते हैं तुम्हारे ऐसे। अच्छा 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 तो फिर मैं कहा बाबू ये बहुत कह रहे करीब 500-600 भेड़ रहा है। हाँ 6-7 जने हम लोग रहे। अच्छा तो मैं कहा बाबू रुक गया ऑफिस में, तो मैं एक रोड में आलमापुर में रहा। हाँ तो रोड में भेड़ी चढ़वाया। हाँ तो फिर अपने आगे घोड़ी के। हाँ और घोड़ी के बाद फिर मैं चले। अच्छा मेरे पीछे भेड़ी लगी फिर सब चरवाया अपन वही तना साइड में हो। तो मैं कहा अब बाबू आगे से खींच लिया तो मैं घोड़ी साइड के आ जाई। हाँ तो बना ले मैं कहा बच्चा बन पाओ कि नहीं बन पाओ, कहीं बहुत बढ़िया बन गया। धूप नहीं लगती आपको? धूप नहीं लगती? अरे धूप लगती है तो पहले का। अच्छा कितने घंटे चराते हैं इसको आप? अरे चरावे का तो अब इतने उठे चेहरे में रहा है नजदीक। अच्छा अच्छा 8-9 घंटा।
तो शाम को कितने बजे घर ले जाएंगे इसको? बस जलताना है आपके हर हर जाते। अच्छा तो इसका अच्छा है बजे। अच्छा अच्छा अच्छा, बुकिंग वगैरह भी होती है इनकी? अरे वो काम वो सब बंद। अच्छा हाँ 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 हाँ, पहले बहुत रहा। तो ये भेड़ वगैरह बेचते वगैरह होंगे आप? अब जैसे नर वर हो गए, हाँ अब वो बिल्कुल रिटायरमेंट हो गए। हाँ बकरी सही है। अच्छा अच्छा अंकल, एक मूवी अभी आई है द गोट लाइफ, सऊदी अरब जानते हैं अरब देश, तो वहाँ क्या इंडिया के लोग जो होते हैं ना वहाँ फंस जाते हैं कोई लोग, तो उनको रेगिस्तान में डाल देते हैं और उनसे भेड़ बकरी चराते हैं वहाँ, तो वहाँ वो बकरी चराते हैं। हमारे एक परिवार का लड़का इच्छा ने मदारी अपना। अच्छा अच्छा अच्छा, तो वो कर रहा है सऊदी। हाँ तो वो रहा चाहे जहाँ हो, पर वो मान लिया यहीं से वीजा बनवा के जहे के खातिर कगा। हाँ तो वही का वो काम न मिले, वही का दूसरा काम दे। हाँ तो वो कहे भाई मो जो वीजा बना है वो काम करिए, तो वही का अब जैसे हम चराई तो हम यही क्या वीजा बनवाए। सही है, तो मिसाले बहु हरामी बना कर रहे हैं, गाँव सुअरियन में डाल दे। हाँ वही तान बता इसकी, अरे भैया हाँ। मतलब बनावे में तो ठीक है कि चलो बनवा ली ना, क्या बीज है। अच्छा आपको मौका मिले सऊदी जाने का, जाएंगे? ना जाइयो, अब हम देश पर देश का दिल चाह रहे देश पर देश लाए। अब आपकी उम्र है कि मान लो कतो चले जा सके तो सब कुछ बर्दाश्त करो, हमका सऊदी क्या दौरे का पड़ जाए तो दौरे से। हाँ सही बात है, वहाँ गर्मी बहुत पड़ती है। अब नहीं जानते। अच्छा टोटल कितनी भेड़ वगैरह आपकी है, टोटल कितनी है? 100 भेड़ ही। तो फाइनली गाइस देखो ये 100 भेड़ है, अभी भैया से बात करते हैं। और अरब देश में आपको इस तरीके से घास वगैरह नहीं मिलेगी। कैसे हैं भैया? है। ये आपके कौन है? ये हमारे भाई हैं। भाई हैं आपके, तो आप ये कब से कर रहे हैं? 35 साल से। आप भी 35 साल से कर रहे हैं? नहीं हम तो 10 साल से। अच्छा 10 साल से कर रहे हैं, तो मतलब भेड़ी क्यों चला रहा, कुछ काम वगैरह क्यों नहीं किया? कोई पढ़े लिखे नहीं तो यही धंधा कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो कभी बाहर जाने का प्लान नहीं किया? नहीं। काम करना सऊदी अरब में लोग आजकल बहुत भेड़िया चरा रहे हैं। हाँ, बहुत चरा रहे हैं। हाँ, परेशान भी हैं, क्या करना चाहेंगे उनको? अरे चराओ ठीक नहीं ना, जिंदगी नहीं है। अरे भेड़ी में कोई वैल्यू नहीं। अच्छा हाँ। तो बकरियाँ वगैरह भी होंगी? नहीं भेड़ी में भाई 2-4 के बकरी। अच्छा तो महीने कितना खर्चा हो जाता है? महीने में कम से कम हमारा खर्चा भेड़ को हमारा खर्चा कम से कम 10-15,000। 10-15,000 20,000। और तो अर्निंग वगैरह कुछ होती है पैसा महीने में? महीने कुछ आ जाता है, खर्चा चल जाता है घर का। साल में चलता है महीने में कोई। अच्छा साल में, एक साल में बिकती होंगी ये पूरा? हाँ, एक साल में 10-25,000 50,000 हो जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, और इसके अलावा और कोई काम नहीं करते आप? तो फाइनली मतलब भैया बोल रहे हैं कि भाई भाई भेड़ी हैं, अब ये हर 2-3 महीने तो बिकेंगे नहीं, एक साल में ये बड़ी होती हैं। दूध वगैरह देती नहीं देती है? ना दूध नहीं देती। दूध नहीं देती? ना, क्यों? सब खाली वो मैं नहीं है क्या, लेडीज नहीं है? नहीं बच्चों को नहीं हो पाता तो। अच्छा अच्छा अच्छा, तो इसके जो खाल वगैरह वो भी बेचते होंगे? अरे खाल कहाँ, बाल वगैरह बाल कोई लेता नहीं, कोई नहीं लेता, चला देते। पहले ये होता था कि ये जो खेतों में लोग बैठवा देते थे भेड़ी वगैरह, हाँ तब पैसा देते थे। अच्छा अब नहीं होता ये सब? अब बैठाते नहीं। अच्छा 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 अच्छा, तो फाइनली ये देखो। अच्छा अगर आपको सऊदी में मौका मिले भेड़ चराने का तो जाएंगे आप? अरे नहीं जाएंगे। नहीं। क्यों? पढ़े लिखे नहीं कुछ तो भेड़ चराने में कौन सी पढ़ाई लगती है? अरे वहाँ क्या रोल को दूसरा होगा ना। नहीं बहुत सारे लोग इंडिया से जाते हैं काम पे, तो उनको क्या होता है ना भेड़ों में डाल देते हैं, रेगिस्तान में डाल देते हैं, फंस जाते हैं। सही बात, यहाँ अपना की अपना देश है, कहीं भी कुछ भी करो अपना देश है, अपने मन का काम है। सही है, और वहाँ नौकरी करे जाएंगे तो उनके बंधक में रहेंगे ना। हाँ वहाँ आ नहीं सकते ना, ना, ना। और रेगिस्तान में पानी खाना पीना सब, कितना लोग रो रहे हैं मालूम? अरे वो ठीक नहीं आओ, पहले तो हम यहाँ से दिक्कत है कि ये भेड़ चराने का कोई मतलब नहीं है, बेकार है। सही है सही है, सही बात है, भेड़ क्या है यार, क्या कर सकते हैं। टोटल यहाँ पे कुछ भेड़ हैं, 100 भेड़े करीब हैं जो कि ये भाई चराते हैं इंडिया में, ठीक है? तो आप कितना खुश हैं यार, देखो यहाँ पे ये, और ये सऊदी अरेबिया में होते तो भाई कितना इनको दिक्कत का सामना करना पड़ता। ये वीडियो मैं स्पेशली इसलिए बना रहा हूँ, लोग बोल रहे थे कि भाई एक वीडियो बनाओ जो कि इंडिया में लोग जो बकरियाँ चराते हैं भेड़ चराते हैं
और जैसे कि मैंने बनाया था वीडियो जो भाई थे गोरखपुर के, तो लोग उनको कमेंट कर रहे थे कि भाई अगर आप इतनी 500 भेड़ियां अगर इंडिया में पाल लेते तो आप अच्छा खासा अर्न कर लेते। 20,000-30,000 के लिए लोग सऊदी अरेबिया जाते हैं, और कुछ लोग जानबूझ के जाते हैं भेड़ चराने, बकरियां चराने, कुछ लोग फंस जाते हैं तो उनकी लाइफ बहुत दिक्कत होती है। और भाई साहब वहाँ घास होती है, आप रेगिस्तान में जाएंगे आपको वीडियो में नहीं दिखा, लेकिन वहाँ पे घास वगैरह छोटी छोटी घास होती है जो कि वहाँ पे बकरियाँ भेड़ ऊँट ये सारा कुछ खाती हैं, समझ रहे हैं। और ये जो भाई साहब मुझे मिले यहाँ पे, देखो पूरे में यहाँ पे घास वगैरह भी बारिश का टाइम है, और इनका यहाँ पे आस पास घर है। बाकी कुछ भेड़ वाले ऐसे भी होते हैं ना जो एक दूर दूर से आते हैं, रोड किनारे उनका घर बना रहता है, वहाँ पर रहते हैं। तो मैंने कहा आपको ये लाइफ दिखानी चाहिए जो हमारे इंडिया में लोग जो भेड़ बकरियाँ चराते हैं उनकी लाइफ कितनी अच्छी है सऊदी अरेबिया की तुलना में, उनसे ज़्यादा पैसा भी कमाते हैं भाई ये, वो लोग महीने का 20-25 हज़ार कमाते हैं और ये उससे ज़्यादा कमाते हैं। लोग आदमी क्या है बोलता नहीं है, लेकिन उससे ज़्यादा कमाते हैं सुकून में, घर का घर में। फाइनली अभी फटाफट यहाँ से निकल रहे हैं, बात किए चाचा से, काफ़ी अच्छा लगा भाई। 30 सालों से भेड़ बकरियाँ चरा रहे हैं, समझ लो 30 साल से, और जो भैया थे उनके भाई लगते हैं जो कि वो 10 साल से ये भेड़ चरा रहे हैं, खुश हैं, खुद की भेड़ है कोई दिक्कत नहीं, जब मन के चला रहे हैं इधर उधर। लेकिन ये जो आदमी अगर सऊदी अरेबिया फंस जाते ना तो इनको भाई बहुत मुश्किल होती है। कुछ लोग को अच्छा भी है, और जैसे कि द गोट लाइफ मूवी में दिखाया ना भाई, मैं वहाँ से घूम कर आया हूँ मुझे पता है, लेकिन जिस तरीके से उस मूवी में दिखाया गया ना उस तरीके से नहीं होता भाई, कि जिस हिसाब से उसको पानी नहीं मिलता, खाने के लिए खाना नहीं मिलता, इतना टॉर्चर करते हैं, ऐसा नहीं है भाई सऊदी अरेबिया, वहाँ लोग बहुत अच्छे भी हैं। और आपको कुछ लोग होते हैं कुछ फंस जाते हैं भाई, हर 5 उंगली बराबर नहीं होती, कुछ लोग फंस जाते हैं, कुछ लोग अच्छा भी होता है, बकरी चरा रहे हैं, कुछ लोग मजदूरी में काम भी कर रहे हैं, हर किस्म के आदमी हर जगह मिलते हैं भाई। देखो तो बकरी चराने वालों को दिक्कत होती है, वहाँ पे घास वगैरह भी बाहर से मंगवाई जाती है, और घास अब क्या सऊदी अरेबिया भी डेवलप कर रहा है भाई बहुत ज़्यादा, वहाँ पे हर चीज़ मिल जाएगी आपको। बस देख सकते हैं यहाँ पे ये भेड़, यहाँ पे भेड़ बंधा हुआ है और एक भेड़ मर गया, अब वो चीचा देखो कैसे रोड किनारे रहते हैं भाई, देख रहे हैं कोल्ड ड्रिंक सबको पिलाते हैं, कोल्ड ड्रिंक सिगरेट, और ये इनका घर है। देखो देखो भाई ज़िंदगी आसान नहीं भी, हर जगह पर भेड़ चराने वाले हों, बकरी चराने वाले हों, क्या खाते हैं भाई ये समझ ही नहीं आ रहा मेरे को। देखो ये ज़िंदगी आसान नहीं भाई। अभी यहाँ से हम निकल रहे थे, यहाँ कुछ और भेड़िया मिल गए, देखो इधर ये देखो, मतलब यार जगह जगह पर आपको ना हमारे उधर मिल जाएंगे। देखो ये कितने सारे भेड़िए यहाँ पे, वो अंकल है और ये भाई है, कैसे हो भाई? बढ़िया, कब से चला रहे हो भाई? काफ़ी दिन चार पाँच साल से। यार युवा जवान हो, कुछ काम धंधा नहीं करते, भेड़ चला रहे हो आप? तो काम है तो मतलब कुछ खर्चा पानी चल जाता? नहीं चल जाता, खर्चा पानी चल रहा है, और कहाँ से, दिन हो दोपहर हो सब, अब काम है तो करना ही पड़ेगा। सही है सही है। तो पढ़ाई कहाँ तक की आपने? पढ़ाई इंटर की। इंटर करने के बाद यार जॉब कभी नहीं देखा? इंटर तो सभी लोग करके घूम रहे हैं, क्या कोई किसी को, सब लोग सरकारी नौकरी थोड़े नहीं मिल जाएगी सभी को। अच्छा तो ये आपके पापा हैं क्या भाई? पापा। पापा कब से चला रहे? पापा को तो हो गए 15 साल। 15 साल से तो अच्छा, ये साल में बेची जाती होंगी है ना, इससे पहले तो कोई प्रॉफिट आता नहीं होगा? दूध वगैरह? दूध इनका नहीं, दूध वगैरह नहीं होता। तो भेड़ पालना आसान है? नहीं आसान है, नहीं आसान तो नहीं, आसान नहीं है, धूप बारिश गर्मी सर्दी सब मिला। अच्छा सऊदी जानते हो, अरब देश, देखा वीडियो कि वहाँ लोग फंस जाते हैं बकरी चराने में, भेड़ चराने में, क्या कहना चाहोगे? अब वहाँ देखो जो जाता है वही जानता, अब हम तो गए नहीं तो हम क्या बताएं, अब जो जाता है वो करता है, जो यहाँ कर लेगा तो वहाँ भी कर लेगा। अच्छा मगर वहाँ नहीं कर पाएगा, यहाँ और उसमें बहुत फर्क है भाई। जो गया है तो हम तो गए नहीं है तो हमें तो पता। जाना चाहोगे? नहीं नहीं जाना चाहोगे? यहाँ कमा लेते हो? यहाँ ठीक है। तो भाई साहब भाई का कहना कि वहाँ नहीं जाना चाहते, यहाँ अपना घर है, अपनी भेड़ है, जब मन का चला लिया, जब मन का नहीं चला लिया। बाकी भाई इंटर तक पढ़े, उसके बाद भी जॉब वगैरह नहीं कर रहे, जॉब करनी चाहिए यार, अब अपना काम है तो कोई करने वाला नहीं तो करना ही पड़ेगा। सही है सही है। तो खुद का काम है भाई, पापा करते तो भाई ये भी हाथ बटाते हैं। अच्छा कितने घंटे चलाते हो दिन में? सुबह 10 बजे से निकाल के शाम को 7:30 बजे। तो कितने दूर तक जाते हो घर से यहाँ? यहीं अगल बगल चला। अगल बगल हाँ। तो अच्छा एक चीज़ बताना, महीने कितना, मतलब साल में कितना अर्निंग हो जाती है? साल में अब देखो जितना भेड़ है उसी के हिसाब से हो, फिर भी एक मोटा अगर 20 बेचोगे साल में तो मान लो कि हो जाता है 1-1.5 लाख हो जाता है। तो भाई देख लो सऊदी वाले हो आप लोग, 20-25 हज़ार में सऊदी में भेड़ बकरे चरा रहे हो, ये भाई साहब इंडिया में रहकर अच्छा खासा कमा लेता है घर के घर में। तो चलो थैंक यू भाई। ये देखो कितनी सारी यहाँ पे भेड़ है, देखो देख रहे हैं, बकरियाँ नहीं है, खाली भेड़ ही भेड़ है इनके पास, एक दो बकरियाँ वगैरह हैं, ये देखें
तो रास्ते में हम जा रहे थे तो हमें एक ग्रुप और मिल गया, तो हमने कहा आपको दिखाना चाहिए। बाकी यार इंडिया ज़्यादा बेस्ट है, अगर आपको भेड़ी चराना है भाई शायद सऊदी में जाकर, तो भाई इंडिया में चराओ ना भाई, 400-500, 100-150 पाल लो, उसके बाद बकरी चराओ, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट सालाना मिल जाएगा भाई। फाइनली गाइस अभी फटाफट वहाँ से निकल चुके हैं, और भाई मैंने आपको दिखाया भाई इंडिया में जो लोग भेड़ बकरियाँ चलाते हैं उनकी लाइफ कैसी होती है, मंथली कितना कमाते हैं। सऊदी वालों से ज़्यादा कमाते हैं जो लोग वहाँ पे बकरियाँ चलाते हैं, भेड़ चलाते हैं। कुछ लोग अपने मन से चलाते हैं, कुछ लोग फंस जाते हैं, कुछ लोग काम करने जाते हैं लेकिन क्या होता है काम से उनको अच्छी सैलरी नहीं मिलती तो वो वहाँ से भाग जाते हैं। तो फिर क्या होता है वो जो कफील होता है उनका, उनको पकड़ कर मजरे में डाल देता है या भेड़ बकरियों में चराने में डाल देता है, तब फिर उनको बहुत दिक्कत होती है। लेकिन जो हिसाब से गोट लाइव मूवी में दिखाया है इतनी दिक्कत नहीं होती, क्योंकि मैं सऊदी में 3 महीने रुका हूँ और मैंने जाके वहाँ पे भेड़ बकरियों की लाइफ दिखाया, आपने देखा है इतना जैसा कि गोट लाइव में दिखाया वैसा नहीं होता, और वहाँ पे घास वगैरह भी उगती है, बारिश भी होती है। हाँ भाई आपने गोट लाइव मूवी देखी है? हाँ देखा है। क्या लगा, क्या रियलिटी लग रही है आपको? अरे यार देखो ऐसा है, पिक्चर अगर पिक्चर में रियलिटी दिखाई जाएगी तो कोई नहीं देखेगा, ठीक है? थोड़ा सा मसाला लगाना पड़ता है, बाकी जो बकरी थोड़ा की ज्यादा मतलब उसको थोड़ा सा कंट्रोवर्सी करने के लिए थोड़ा चर्चा में आए तो मतलब उनका फायदा है। हाँ सच्चाई मैं बता रहा हूँ, जब शुरू शुरू में लोगों को लगा था अपने यहाँ लेबर की तनख्वाह कम थी तो लोग अपने गांव में बकरी नहीं चराते थे, लेकिन एजेंट लोग वहाँ 15,000-25,000 रुपए में सऊदी वालों से बात कर लेते थे, वहाँ लोग जो भेड़ पालते हैं वहाँ भेड़ बकरी जैसी होती है, भेड़ बकरी ऊँट, तो वहाँ से अपने यहाँ से लेबर बुलाते थे, तो यहाँ से लोग चले जाते थे। इनको लगता था कि यार जब वहाँ उनको नौकरी पता चलता था तो अरबी में लिखा रहता था कुछ अच्छा बढ़िया शब्द, अब वहाँ जाते अरे यार भैया हमसे बकरी चरवा रहे हैं, समझ रहे हो, वहाँ तनख्वाह मिलती थी बकरी चराने की, तो वहाँ से लोग फोन करते भाई बकरी चरवाते हैं सऊदी आना ना, तो एजेंट की कमी रहती थी, अनपढ़ता रहती थी, लेकिन अब कोई चीज सीख के जाओगे यार तो उसमें अपना फार्म भरोगे, ये चीज सीख उस पर लिखा रहता है, आपको वीजा जो आएगा उस पर लिखा होगा कि आपसे क्या काम क्या काम करवाएंगे, कितनी सैलरी होगी। तो अगर आप अभी भी जाना चाहते हो तो भाई आपको जो वीजा देता है किसी एजेंट के थ्रू आप काम करवाते हो ना, तो उस काम वीजे में साफ साफ लिखा होगा उर्दू से, अगर आपको नहीं आता तो आप स्कैन करके ट्रांसलेट कर लो भाई क्या है कितनी सैलरी है। एक और सबसे जरूरी बात बता दूं दोस्तों, जो लोग ज्यादा पैसा वाले होते हैं, जो भी देश हो या जो आदमी हो, वो आप समझो झंझट नहीं पालता, मतलब इतना ज्यादा चिरकुट नहीं होता, किसी को पानी नहीं पीने देगा, किसी को खाना नहीं खाने देगा। सोच के देखो कि जो लोग फरारी में कूड़ा ढोते हों, वो अपने यहाँ नौकर जो इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश से आते हैं उनको खाना नहीं देंगे क्या भाई? सब कुछ मिलता है, बस खाली पिक्चर है, मैं क्या बताऊं। कुछ लोग होते फंस जाते हैं, ऐसी बात नहीं, फंसते बहुत सारे लोग फंसते हैं, लेकिन जिस हिसाब से दिखाया वो पानी पी रहा था उसको लात मार दिया, तो भाई ऐसा नहीं होता भाई। जो जिसका मैंने वीडियो बनाया था वो करीब 12 साल से वहाँ पे बकरियां चला रहे हैं, भेड़ चला रहे हैं, और वो आते जाते भी हर 2-18 महीने में 15 महीने में। सऊदीया की छोड़ो, भारत में लेबर की क्या पोजीशन है, तुम लोगों ने देखा जब लॉकडाउन हुआ था पैसा नहीं मिल रहा था, किराएदार भगा दिया, लोग बच्चों को पैदल लेके आ रहे थे, अपने देश में इतनी बुरी स्थिति, भट्टा में काम करने वाले कोई दिक्कत हो गई कोई बात हो गई वही निपटा देते हैं, फैक्ट्रियों में डाल देते हैं, यार तो दुनिया के भूल जाओ पहले अपने यहाँ देखो लेबर कैसे, रिक्शा वाले के आप लोग हम लोग खुद जैसे लगता है हमारे बाप का मतलब वो है शहर कि हम बोल देंगे करे चल साइड से, अबे भाई वो पैसा कमाने निकला है यार, हर आदमी को हम लोग काम के हिसाब छोटा बड़ा समझते हैं। तो चलो भाई मैंने कहा आपको सच्चाई दिखाने चाहिए भाई, कि आप लोग कमेंट भी कर रहे थे भाई इंडिया में जो लोग बकरियां चराते हैं भेड़ चराते हैं उनका वीडियो बनाओ, और जिनको तुमने वीडियो बनाया था अगर वो 100-150 इतनी भेड़ बकरियां पाल लेंगे तो वो कितना कमाएंगे, तो मैंने आपको दिखाया रियलिटी यही है कि भाई अगर वो सच में अगर 100-150 भेड़ बकरियां पाल लेंगे ना, तो सऊदी में जो 2,000 रियाल 1,500 रियाल 1,200 रियाल में जो काम करते ना उससे ज़्यादा कमाएंगे, घर का घर में रहेंगे। हाँ भाई ये देखो, ये हमारे इधर भैंस वगैरह भी दिखती है, देखो ये भाई देखो मौके पे हमें भैंस वगैरह भी मिल गए, देखो ये भाई देखो यहाँ पे भैंस गाय इनको चरा रहे, देखो अपनी मर्जी के मालिक है भाई, दिन में काम करो शाम में भैंस चराओ, ये देखो देख रहे हैं, तो ये अपना इंडिया है, आराम से भाई 100-150 बकरियाँ भैंस पालो, बकरे पालो बेचो, बस आदमी के पास मुसीबत होती है जो आदमी जाता है बस थोड़ा पढ़ा लिखा नहीं होता ना तो फंस जाता है। तो बस आज की इस वीडियो में यहाँ पे एंड करते हैं, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, मैंने रियलिटी दिखाया क्योंकि बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई एक बार वीडियो बनाओ जो लोग इंडिया में भेड़ बकरियाँ चराते हैं कैसे चराते हैं, इनकी ज़िंदगी आसान नहीं है, धूप शाम सुबह हर टाइम ये लेकर अपना हर रहर करते रहते हैं, हर रिक। बस लव यू। चांद वाली खिड़की में एक चांद